पान वेलकम बैक टू माय चैनल आफ्टर सो मेनी डेज, मतलब बहुत दिन हो गए हैं। और कैसे हैं आप सब कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। मैं आपसे बहुत दिन बाद मिल रही हूँ, ऑलमोस्ट 10 to 15 डेज हो गए हैं। सो कोई व्लॉग नहीं आया, और क्योंकि बहुत जो है मतलब बिजी भी था शेड्यूल, और मन नहीं कर रहा था बनाने का, व्लॉग शूट करने का। एक तो घर का काम चला है, उस वजह से मतलब बहुत ज़्यादा मैसीनेस हो रखी है। ऊपर से घर पे कोई नहीं था, मैं अकेली थी और हस्बैंड थे, तो हस्बैंड आज तो फिलहाल काम के लिए गए हैं, तो कहीं और शाम को आएंगे। सो बाकी जो है नहीं है घर पे। सो इस वजह से ना शूट करने का मन ही नहीं करता था अकेले, फिर आदि को संभालना, बहुत सारी चीज़ें, और वो सारी चीज़ों के बीच में जो है मैं व्लॉग शूट नहीं कर पाई बहुत दिन से, और मन भी नहीं कर रहा था। थोड़ा सा मुझे रेस्ट चाहिए था, होता है ना कई बार आपको ब्रेक चाहिए होता है, तो सोचा कि चलिए अब कंटिन्यू करती हूँ व्लॉग। काफ़ी दिन हो गए हैं, बहुत सारे मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि व्लॉग क्यों नहीं आ रहा है आपका, व्लॉग क्यों नहीं आ रहा है। सो हेयर आई एम टूडे। कैसे हैं आप सब कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। आई होप बहुत अच्छे होंगे। मैं ठीक हूँ, फैमिली सब ठीक है। टाइम गाइज हो रहा है 1 बजे के आसपास का, तो अभी जो है आदि अपने नानी के पास है, डे टाइम हो रहा है, क्योंकि लंच बनाना था, मैं अकेली थी तो मैंने वहाँ छोड़ दिया आदि को। और बाकी जो है कहाँ गए हैं वो मैं आपके साथ 1-2 दिन बाद शेयर करूँगी। सो बस अभी मैंने उसको नानी हाउस छोड़ा है, तो अभी मैंने सोचा चलिए लंच बना देती हूँ, बहुत टाइम हो गया था, मतलब ऐसे ही मन कर रहा था सुबह। एक्चुअली घर पे जो है फ्रेश कैबेज आई थी, जो लोकल जो गोभी होती है वो आई थी, तो मैंने सोचा मोमोज बनाते हैं लंच में, तो आटा तो ऑलरेडी गूंदा रहता है, तो मैंने थोड़ी बहुत प्रिपरेशन की है, तो मैं कहा चलिए आप लोगों के साथ भी रेसिपी भी शेयर कर दूँगी कि मैं कैसे बनाती हूँ, वो भी आटा मोमोज। मैदा इसलिए क्योंकि घर पर बच्चा भी है और ख़ुद के लिए भी अच्छा होता है आटे वाले जो मोमोज होते हैं, तो मैंने ना थोड़ी बहुत प्रिपरेशन कर दी है, मैं आपको दिखाती हूँ। और मौसम जो है काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है, यहाँ पे बहुत ही ठंड सी होने लगी है इस टाइम, फिर भी ठीक है, जो सुबह शाम है ना बहुत ठंड होने लगी है। आदि के तो मैंने विंटर के बहुत सारे जो कपड़े हैं ना वो निकाल दिए हैं। और इतने दिन से बताइएगा आप लोगों ने क्या किया और कैसे हैं आप लोग, ये ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। सो चलिए करते हैं जो मोमोज बनाने की प्रिपरेशन थोड़ी बहुत, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ना मैंने ऑलरेडी जो है वो कैबेज को अच्छे से जो है मैश करके रख दिया है, मैश बोल सकते हैं आप, या मतलब थोड़ा सा इनको चॉप करके बिल्कुल बारीक बारीक करके रख दिया है। और यहाँ पे मैंने ना कुछ पनीर के पीसेस लिए थे, सो वो मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा फ्लेवर ऐड करने के लिए। और पनीर वाले मोमोज ना बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है और प्रोटीन रिच है, बिल्कुल हेल्दी बना रही हूँ आटे वाले मोमोज, और बिल्कुल जो है कोई मतलब हेल्थ इश्यूज़ नहीं होंगे इससे, बहुत अच्छे बेसिक से मोमोज है। आप लोग भी बनाते होंगे, बट मैं थोड़ा सा अपना तरीका बता रही हूँ, बहुत सिंपल बना रही हूँ विदाउट जो मसाले वगैरह वो। और यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई चढ़ा दी है इसको रोस्ट करने के लिए, बिल्कुल लेस ऑयल में रोस्ट करूँगी। आप चाहे तो इसमें ना बहुत सारी जो सीजनल वेजिटेबल्स होती हैं उन्हें चॉप करके डाल सकते हैं, हमारे जो यहाँ आसपास अभी नहीं अवेलेबल है, जो गाजर वगैरह थे मैं सोची थी, मैं गई थी शॉप बट नहीं मिली मुझे, तो मैंने सिंपल सोचा कि चलिए कैबेज और पनीर मेकर निकाल दिया है, मतलब मोमो मेकर, सीडू मेकर, वट एवर जो आप भी, आप जो भी आपको इसको प्रनाउंस करना है। सो हम तो इसमें सीडू भी बनाते हैं, मोमोज भी बनाते हैं, सो 2 in 1 या बहुत सी चीज़ें बना सकते हैं आप, अप्पे बना सकते हैं। सो यहाँ पे निकाल दिया इसको मैंने, ग्रीस करके ऑयल से रख दिया है, और लास्ट वाले में ना मैंने हाफ लेमन कट करके रखा है, ताकि जो अंदर जो कई बार ना इसमें एक लेयर सी चढ़ जाती है वो ना चढ़े और डार्क ना हो कलर, ऐसा ही रहे, तो मैंने उसके लिए हाफ नींबू कट करके इसमें डाल दिया, पानी से फिल कर दिया। इन दो में जो है वो बनाऊँगी मैं। सो बड़े वाला भी होता है, इसमें बड़ा भी आता है प्रिपरेशन, और इसमें मैं क्या क्या डालूंगी वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो यहाँ पे ना मैंने बहुत ही कम, मतलब 1.5 चम्मच के करीब इसमें ऑयल डाला है, बहुत कम है, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि बस सॉटे करना है आपको सभी वेजिटेबल्स को। और मुझे ना यहाँ पे अपने गार्डन से मैं जो है अभी शिमला मिर्च तोड़ के आई हूँ, मैं ऐसे ही गई थी देखने, सो ये मुझे मिली 2 शिमला मिर्च छोटी छोटी सी, तो अपने गार्डन की है, किचन गार्डन की, तो मैं वहाँ से लेके आई। सो ये भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी जस्ट टू ऐड फ्लेवर, और जितनी वेजीज होंगी उतना ज़्यादा ठीक रहता है, मतलब हेल्थ के लिए भी। सो बस ऑयल गरम हो चुका है, अब इसमें हल्का सा ना मैं जस्ट डालूंगी इसमें ज़ीरा, और थोड़ी सी ना मैं इसमें ये अजवाइन डाल रही हूँ, अच्छी होती है क्योंकि आदि को भी खाने हैं थोड़े से, मतलब एक आधा मैं उसे भी दे दूँगी, तो ये मैं ऐड कर दूँगी। मैंने अजवाइन डाल दी है, अब इसमें जो है थोड़ी सी हम डाल देंगे टर्मरिक, हल्दी डाल दी है, हल्की सी लाल मिर्च, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ी सी,
और थोड़ा सा इसमें डालेंगे पिंच ऑफ गरम मसाला। अब डाल देंगे, सबसे पहले मैं डाल रही हूँ इसमें शिमला मिर्च। तो ना मैंने इसमें कैबेज डाल दी है, लास्ट में मैं पनीर ऐड करूँगी। तो इसे ना थोड़ा सा ढक के पकाने वाली हूँ मैं, क्योंकि कच्ची नहीं रहनी चाहिए, ये ज़्यादा पकानी भी नहीं है और कच्ची भी नहीं रहनी चाहिए। और बस इसके बाद इसे थोड़ा सा सॉफ्ट कर देना है, जब तक कि जो आपकी कैबेज है वो अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए, और कैप्सिकम ऐड किए जब तक वो भी थोड़ी सी सॉफ्ट ना हो, क्योंकि बच्चे को खिलाना है, अपने लिए तो चलो कच्ची जैसी भी है चल पड़ती है, बट बच्चे के साथ थोड़ा सा इसे अच्छे से पकाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर मैंने पनीर ऐड कर दिया है ताकि पनीर भी थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए और पक जाए अच्छे से। 5 to 10 मिनट्स जो है इसे जस्ट पकाएंगे आप, और अगर आप अपने लिए बना रहे हैं तो 5 मिनट भी इनफ है। पे ना हमारी जो बंद गोभी है और पनीर है और शिमला मिर्च है पक गए हैं सारी चीज़ें इसमें, और अच्छे से मिक्स भी हो गई, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, स्पेशली अजवाइन की। अजवाइन जो है ये मैंने अपनी तरफ से इन्वेंट किया है, आप डाल सकते हैं, डाइजेशन के लिए अच्छी है सो, बट बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे। इसको बाद में नहीं डालना है, जब आप ऑयल को गर्म करते हो तब डालना, खुशबू बहुत अच्छी आती है और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। सो ये हो चुका है, अब इसे ना मैं 5 to 10 मिनट्स ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। और यहाँ पे मैंने जो है मोमो मेकर चढ़ा दिया है, सो इसमें ऑयल अच्छे से ग्रीस कर दिया है सो मोमो चिपके ना। सो ये डन हो चुका है, सो अब ना फिलिंग के लिए हम आटा तैयार करते हैं। अब यहाँ पे लास्ट काम बचा था वो है फटाफट से इन्हें फिल कर देना, स्टफिंग रेडी हो चुकी थी तो बस अभी से जो है मैं आटे के डो में फटाफट से फिल कर रही हूँ और वन बाय वन करके सीडू मेकर में डाल दूँगी। आटे के ना ठीक रहते हैं, हेल्दी रहते हैं, आप चाहें तो मैदे के भी बना सकते हैं, और कुछ लोग बेल के भी बनाते हैं वो भी अच्छा ऑप्शन है, बट मुझे हाथ से बनाना ज़्यादा अच्छा लगता है। गर्मा गर्म खाओ तो बहुत अच्छे लगते हैं, ठंडे होने के बाद थोड़ा सा हार्डनेस आ जाती है आटे के मोमोज़ में, वैसे तो मैदा भी बहुत हार्ड हो जाता है, बट मोस्ट ऑफ़ द टाइम जब घर पे हम बनाते हैं तो इसी तरह ही बनाते हैं आटे के। मैं भी आज बहुत टाइम बाद बना रही थी क्योंकि घर पे फ्रेश कैबेज आई थी तो सीजनल थी, तो मैंने सोचा चलिए इसके जो है फटाफट से मोमो बना देती हूँ, डायरेक्ट माइंड में यही आया। और ये देखिए कितनी ये रेडी कर लिए हैं, रेडी हो चुके हैं। सो आप चाहे तो बेल के भी कर सकते हैं, बट मैं हाथ से बनाना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। तो ये हो चुका है, फर्स्ट वाला जो है लूज हो चुका था, वैसे इसमें कंटेनर में मैं इसे ऐड कर रही हूँ, अच्छे से पानी भी गर्म हो गया है, स्टीम है वो बन चुकी है तो फटाफट से ना इसमें पक भी जाएंगे ये। सो 10 to 15 मिनट्स बाद देखिए इस तरह से इसका कलर हो चुका है और पकना शुरू हो गए हैं ये। साथ ही साथ ना मैंने चटनी भी बना दी, तो चटनी ना हो मोमोज़ के साथ तो मज़ा नहीं आता। सो फाइनली गाइज हमारे जो मोमोज़ है बनके तैयार हो चुके हैं, और आदि के पापा भी है नहीं है तो आदि और मैं हैं तो हम दो के लिए मैंने निकाल दिए हैं, आदि को मैंने अलग से बना के रखे हैं तो वो मैं से खिला दूँगी। टाइम 2 बजे के आसपास हो रहा है और आदि को मैंने ला दिया है नानी हाउस से, सो बस अभी इसको भी एक दो मोमो टेस्ट करवाती हूँ और ख़ुद भी खाती हूँ, सो देखती हूँ कैसे बने हैं। सो हस्बैंड थोड़ा सा लेट आएंगे तो उनके लिए भी मैंने बना के रख दिए हैं। सो हम लोग करते हैं अपने यमी से मोमोज, ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस रेसिपी को। ओके ओके, गुड इवनिंग गाइस, ये शाम का टाइम है, 5:30 बजे के आसपास का, चाय बन रही है तो मैं मिस्त्री के लिए चाय बना रही हूँ जो काम करने लगे हैं घर के, और चलिए फिर चाय दे के आते हैं। सो यहाँ पे ना ऑलमोस्ट अंदर का जो होता है ना जो प्लस्तर बोलते हैं उसे, वो हो चुका है सारा, बस 2 रूम्स रहते हैं उसमें करना बाकी है और ऊपर वाला फ्लोर वहाँ पे करना बाकी है। सो फटाफट से मैं चाय दे देती हूँ। सो ये ना बाहर का ना कुछ इस तरह से बना है एंट्रांस, अभी तो प्रॉपर नहीं बना है पर चलिए थोड़ा थोड़ा जितना भी है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और ये ऊपर वाले फ्लोर के लिए स्टेयर्स हैं। सो अब जो है विंटर भी शुरू हो जाएंगी तो उससे पहले पहले हम सोच रहे थे कि ये कम्प्लीट हो जाए तो अच्छा है, बाकी देखते हैं। सो बस इसके बाद जो है मैंने ना मिस्त्री वगैरह को चाय वगैरह दे दी थी और अब मैं नीचे आ गई हूँ। ये देखिए इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी हो रखी है आजकल, मैं क्या बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब है और मुझे तो कोल्ड भी होने की मतलब लग रहा है। शाम का टाइम हो रहा है 5 बजे के आसपास का, सो मैंने ट्यूशन वाले बच्चों को बिठा दिया है ऊपर, अब जा रही हूँ ट्यूशन पढ़ाने। सो यहाँ पर भाई आ गया आदि को देखने, सो चाय मैंने मिस्त्रियों को दे दी है, और साथ ही साथ ना नवरात्रे हैं, हैप्पी नवरात्रि टू ऑल, मैं विश करना भूल गई थी। सो हमारे घर के सामने ही माता का छोटा सा मंदिर है, सो पिछले कल मतलब 3 दिन पहले से नवरात्रि शुरू हो गए हैं,
में मैंने फास्ट रखा था, सो अब लास्ट के दो में रखूंगी। सो आज तीसरा नवरात्र तो कल यहाँ पे भंडारा होगा और आज शाम को जो है वो भजन वगैरह होंगे, मतलब आरती वगैरह की जाएगी। सो माता के मंदिर के सामने ना बहुत अच्छे से जो डेकोरेशन हो रही है, टेंट वगैरह लगा रहे हैं, सो आपको दिखाती हूँ मैं बैक कैमरा से। सो ये घर के सामने ही लग गई है भंडारे की तैयारी, मतलब आज शाम को आरती होगी और कल यहाँ पे भंडारा होगा। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत डेकोरेशन है वो कर रहे हैं। साल में 2 times होते हैं नवरात्रे, तो एक बार जो है ज़रूर भंडारा या भजन कीर्तन आरती वगैरह वो होती ही होती है हर साल यहाँ पे। छोटा सा मंदिर आपको साइड में दिख रहा होगा, बहुत अच्छे से डेकोरेट किया था और पेंट वगैरह भी किया था मंदिर में, सो बहुत अच्छा लगता है। और इसी के साथ गाइज मैं छोटे से ब्लॉग को बंद कर रही हूँ और बताइएगा कमेंट सेक्शन में कैसा लगा आज का ब्लॉग आपको। बहुत टाइम बाद मिल रही हूँ, अब कोशिश करूँगी आपके साथ डेली ब्लॉग शेयर करने की, और कमेंट में शेयर कीजिएगा कि कैसा लगा ब्लॉग। सो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, ध्यान रखिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर करना ना भूलें।